मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और चीन के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसी बीच तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि भारतीय सेनाएं, भारतीय फौज चीन के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। चीन का अपना जो मुखपत्र है, जो उनका मेन न्यूज़पेपर है, वो भी इस चीज़ को एक साइकोलॉजिकल वार के तहत यूज़ कर रहा है। ऐसे कंडीशन में अपने देश के एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़ चैनल की तरफ से कुछ क्वेश्चंस मुझे आए हैं और जिसका जवाब देने के लिए मुझे बोला गया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इन क्वेश्चंस के जवाब आप सभी लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। और एक एक क्वेश्चन को मैं लूंगा यहाँ पे और उनके एक लॉजिकल जवाब दूंगा। और कहना ये चाहूँगा कि ये एक जो साइकोलॉजिकल वार चल रहा है अपने देश के भीतर या देश के बाहर, चाहे वो चीन का मुखपत्र हो, उनका जो मेन न्यूज़पेपर है, उनके आर्मी का, उनके गवर्नमेंट का, उनकी अफवाहों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल प्रेजेंटेशन यहाँ दिया जा रहा है। एक एक करके मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और फिर उसके जवाब भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। रोचक सवाल जो मुझे इस न्यूज़ चैनल की तरफ से मिला है वो ये है कि चीनी फौज के मुकाबले में भारतीय फौज में इतना साहस, इतना आत्मबल कैसे होता है? ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाखों साल का हमारा इतिहास है। सबसे पहले अगर हमारे देश की सेना में इतना बड़ा आत्मबल और इतना साहस रहता है किसी भी देश के सैनिकों के मुकाबले में, तो उसका पहला कारण ये है कि हम सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं। इतिहास अगर आप पूरा उठा के देखेंगे तो कभी भी भारत की सेना ने, भारत के राजाओं ने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि उनको धन दौलत की लूट करनी है या किसी देश पे कब्जा करना है। भारतीय सेना पास्ट में और प्रेजेंट में जब भी लड़ी है तो केवल और केवल अपने हक की रक्षा के लिए लड़ी हुई है। कुछ एक चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के सैनिकों का जो मोराल इतना ज्यादा रहता है, इतना ऊंचा रहता है, उसके पीछे कारण है उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी ट्रेनिंग। एनडीए वगैरह में जब सैनिकों को तैयार किया जाता है ट्रेनिंग के समय पे, आप एक इतिहास उठा करके देखिए, रामायण का युद्ध खत्म हो जाने के बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि को यहाँ पे स्वर्ग से भी ज़्यादा जो है ऊंचा माना जाता है। इसके साथ ही साथ मोराल बिल्डिंग के कुछ और ऐसे ऐतिहासिक तरीके हैं। कुछ हमारी ऐसी बटालियन है, उनके मैं जो उनके कोट्स होते हैं, जो उनके उद्घोष वाक्य होते हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे देग तेग फतह, आप ध्यान से सुनिएगा, देग तेग फतह। इसी तरीके से राजपूताना का अगर आप देखेंगे तो उनका उद्घोष वाक्य क्या है, राजा रामचंद्र की जय। सारे बटालियन का अपना एक उद्घोष वाक्य है जो हजारों साल के हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के राजाओं की, वीरों की कहानियां ऐसी हैं। महाराणा प्रताप का आप उदाहरण लीजिए, जो अपनी जन्मभूमि के लिए घास की रोटी खाना उन्होंने चुन लिया, पसंद कर लिया, जंगल में रहे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। मोरल बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि जो कि केवल कुछ सालों में या कुछ दिनों में हो जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है जो बाद में चल के सैनिक बनते हैं या अफसर बनते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चीन के साथ अभी जो घटना हुई, वहां पे हमारे लगभग 100-150 सैनिक थे और उधर से 400-500 सैनिक थे। नतीजा क्या हुआ आप सबने देखा। ये उदाहरण रहा है इस चीज का कि मोराल के बल पे कैसे युद्ध को जीता जाता है, जब आपका आत्मबल इतना मजबूत हो। इसके पहले भी मैं आपको उदाहरण दूंगा। आप एक उदाहरण ये लीजिए, 1971 में जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ चांदीवाला बॉर्डर पे, जिसके ऊपर बॉर्डर फिल्म भी बनी है, आप उस दिन को याद करिए, उस रात को याद करिए। भारत की तरफ से केवल 150 जवान थे और उनकी तरफ से पूरी एक इन्फेंट्री थी, टैंक थे उसमें, और लगभग 2000 जवानों की पूरी एक टुकड़ी थी। यहाँ देश के केवल 150 जवानों ने उन पूरे 2000 लोगों को, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो अपने टैंक और हैवी फायरिंग कैपेबिलिटी के जो भी उन्होंने इक्विपमेंट लिए थे, हथियार लिए थे, उनको धूल चटा दिया था। तो ये भी एक लाइव एग्जाम्पल है कि जब मोराल आपका बहुत हाई रहता है और जब आप सत्य के लिए लड़ते हैं तो आपका मोराल, आपका आत्मबल बहुत ही ऊंचा रहता है। शायद यही कारण है, सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य है।
तो मोराल बिल्डिंग के पीछे हजारों साल का हमारा इतिहास है, सत्य और न्याय के साथ हमारी सेना खड़ी रहती है, इसीलिए मोराल बहुत हाई रहता है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इस पर बहुत डिटेल में बातें की जा सकती है कि आखिर भारत के सैनिक निहत्थे होते हुए भी इतना इतना जबरदस्त वो शूरवीरता का परिचय कैसे देते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हजारों साल से जो मोराल बिल्डिंग हम लोगों की होती रही है बचपन से ले करके प्रोफेशनल लाइफ तक। थैंक यू। क्वेश्चन जो आया है इस रिप्टेड न्यूज चैनल की तरफ से कि पहाड़ों में लड़ने के मामले में अगर देखा जाए तो किस सेना के पास जो है ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा क्षमता है। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा अनडाउटली इंडियन सेना के पास पहाड़ों पे लड़ने के लिए न केवल चाइना बल्कि वर्ल्ड की ये बेस्ट माउंटेन कॉम्बैट में अगर देखा जाए, और वो भी अटैकिंग फेस की मैं बात कर रहा हूँ कि माउंटेन पे लड़ते हुए अटैक करना न कि डिफेंस करना, इंडियन सेना को बेस्ट माना जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है, सियाचिन सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रहने वाला वॉर फील्ड है, लगातार हमारी सेनाएं वहाँ पर डटी हुई हैं, और कारगिल वॉर जो हुआ था इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1962 में चाइना के वॉर के बाद ये हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट थे गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि चूंकि पहले ये माना जाता था, हम लोग निश्चिंत थे कि हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, हमें ये एहसास हुआ कि अब हिमालय की रक्षा हमें करनी है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड फोर्स जो है बनाए जाने के ऊपर विचार विमर्श होने लगा कि जो कि हिमालय की रक्षा करने में सक्षम हो। हिमालय का पूरा टेरेन आप देखेंगे जहाँ से ये शुरू होता है वो अपने आप में एकदम अनोखा है, वहाँ के लिए ह्यूमन कैपेबिलिटी और मशीन दोनों की ही कैपेबिलिटी अलग चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बहुत कम होता है, हो सकता है वहाँ कुछ मशीनें जो हैं अच्छे तरीके से फंक्शन ना करें। इन सब को देखते हुए मैन पावर को भी उसी टेरेन के हिसाब से कि टेम्परेचर वगैरह, हाइट वगैरह को देखते हुए उनके स्किल को वार फील्ड में परफॉर्म करने के लिए उनके स्किल को डेवलप किया गया, साथ ही साथ हमारे जो आयुध के इक्विपमेंट है, जो मशीन्स हैं, उनको भी इस हिसाब से डेवलप किया गया कि अगर इनको हाई एल्टीट्यूड पे अगर वार के लिए यूज किया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अतुलनीय रहे। कहीं ना कहीं से इनको डेवलप किया गया है, कहीं ना कहीं से इनको रिसोर्स किया गया है। बोफोर्स तोप का आप ये देखिए, बोफोर्स तोप अपने आप में जिसने कमाल किया था, उसके बाद बोफोर्स के बाद आप ये देखिए होविट्ज़र तोपें हैं, धनुष ठीक बोफोर्स से भी ज़्यादा बेहतर जो है इंडिजीनस जो हम लोगों ने डेवलप किया है धनुष तोप, और धनुष तोप इन सबको जो है अभी लेह लद्दाख में जो है डिप्लॉय भी किया गया है। इनकी खासियत ऐसी है कि ये हाई एल्टीट्यूड पे भी इनकी परफॉर्मेंस कम नहीं होती है और बहुत अच्छे और लीथल तरीके से ये वहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। इसके साथ साथ कारगिल युद्ध का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, चूँकि अगर दुश्मन जब ऊंचाई पे बैठा रहता है तो उसको निशाना लगाना मुश्किल होता है, ऐसी जगहों पे फाइटर जेट्स या मिसाइल्स वगैरह ग्लाइडिंग करने वाले बम जो होते हैं उन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो उस वक्त जब कारगिल का वॉर शुरू हुआ था नहीं था, लेकिन ऐसे बम को, ऐसे मिसाइल्स को जो है परचेज किया गया और उसको यूज किया गया। खुशी की बात यह है कि आज ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास सफिशियंट मात्रा में है और हम बनाते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को साइकोलॉजिकल वॉर गेम में फंसना नहीं है, भयभीत नहीं होना है ये सोच के कि अरे चाइना की इकोनॉमी तो इतना ज़्यादा हमसे है, चाइना की मिलिट्री पावर नंबर या काउंटिंग, हेड काउंटिंग इतना ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से युद्ध पे जो है कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उदाहरण देख के देख लीजिए हजारों साल के इतिहास में, शिवाजी महाराज का आप उदाहरण देखिए, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे युद्ध को मैनेज किया। रिसोर्सेज ज़्यादा होना युद्ध में विजय का कोई गारंटी नहीं देता है, गारंटी नहीं होता है, उन रिसोर्सेज का कैसा यूज किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो आया है, रोचक सवाल आया है इस लीडिंग न्यूज चैनल की तरफ से कि भारतीय सेना कैसे ड्रैगन की फौज के ऊपर भारी पड़ सकती है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, 1962 का जो वॉर था उसके कारण लेके ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर बनाया जाता है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, 1962 के वॉर में हमने अपने सेना के दो अंगों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया था, पहला था एयरफोर्स और दूसरा था नेवी, जो भी हमारे पास क्षमताएँ थी, किसी भी आदमी के दिमाग में नहीं आया कि इनके पावर को भी यूज़ किया जाए ताकि युद्ध को जीता जा सके। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि केवल कुल मिला के 4 दिन का वॉर वो चला था वहाँ पे, एक्टिव वे में अगर देखा जाए। वॉर जब फुल फ्लैग ओपन होती है तो ऐसा नहीं है कि केवल कुछ
फील्ड में कुछ एरिया पे कुछ चौकियों पे जो है वॉर को ओपन किया जाए। हो सकता है कुछ चौकियां आप हार जाए, लेकिन आप बहुत सारी चौकियों को ओपन करते हैं, बहुत सारे ओपन एरिया में आप वॉर लड़ते हैं और कुछ जगह या बहुत सारे जगह आप जीत भी लेते हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट इस पे डिपेंड करता है कि किसने कितने एरिया को जीता। 1962 के वार में सिर्फ ये हुआ कि चाइना ने बहुत तेज़ी से अटैक किया, हिंदी चीनी भाई भाई का वहाँ पे नारा था उस वक्त, और ऐसा विश्वास नहीं था, जब तक हम रिटेलिएट कर पाते तब तक ये वॉर जो है ख़त्म हो गया था और फुल फ्लैग वॉर लड़ने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी उस वक्त। दूसरा पार्ट इसका अगर ये देखा जाए कि कैसे भारतीय फौजें ड्रैगन की फौजों को जो है सुपरसीड कर सकती हैं, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। देखिए 1971 का आप वॉर देखिए, युद्ध कभी भी सेना बल यानी क्वांटिटी के ऊपर नहीं लड़ा जाता है कि आपके पास कितने सैनिक हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, राम और रावण के युद्ध में किसके पास संख्या बल ज़्यादा थी, महाभारत के युद्ध में संख्या बल किसके साथ ज़्यादा थी। इसके साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा, सिकंदर ने एक बार एक लड़ाई लड़ी थी, उसके पास केवल 20,000 की फौजें थी और अपोजिशन में अगर अपोनेंट पार्टी के पास देखा जाए तो 2,00,000 की फौजें थी, लेकिन सिकंदर ने जीता। कहने का मतलब ये होता है कि वॉर एक इंटीग्रेटेड इफर्ट होता है, एक्ट होता है, जहां पे आपका आपके सैनिकों का मोराल, उनकी वॉर फाइट करने की टैक्टिस, स्किल क्या होती है, सपोर्ट कितना मिलता है और टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके वॉर का एक फाइनल रिजल्ट आता है। अब आते हैं कि कैसे भारतीय सेना ड्रैगन को धूल चटाएगी, तो इसका एक उदाहरण तो हम अभी देख ही चुके हैं कि जब हमें हथियारों का प्रयोग नहीं करना था तब आप ये देखिए कि हमारे सैनिकों ने, लगभग 150 सैनिकों ने 300-400 सैनिकों की क्या हालत कर दी। और अगर इन्हीं सैनिकों के हाथों में लीथल वेपन आ जाए, टेक्नोलॉजी एकदम टॉप क्लास टेक्नोलॉजी के अगर लीथल वेपन आ जाए, तो हमारे ये जवान कितने लीथल, कितने घातक साबित होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना का एक एज हमेशा ही चीन के ऊपर रहा है और रहेगा। देखिए वार स्किल जो डेवलप की जाती है सैनिकों में, वो डेफिनेटली हम लोगों ने देख लिया 3-4 दिन पहले 1971 के वॉर में भी हमने देखा था, चांदीवाला बॉर्डर पे जो वॉर हुआ था एक रात के लिए, जिसपे बॉर्डर फिल्म बनी थी, हमारे देश के केवल 150 सैनिक थे और पाकिस्तान के टैंक के साथ पूरी उनकी एक बटालियन थी और लगभग 2,000 पैदल सैनिक थे, वहाँ पे भी धूल चटाई थी। टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, नो डाउट चाहे नेवी हो और इसके साथ साथ चाहे एयरफोर्स हो, आप कहीं पे भी जाके ये सर्च करिए कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है इनके हथियारों की, फाइटर जेट की, मिसाइल्स के मामले में अगर ये देखा जाए तो लगभग भारत और चाइना का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लगभग पूरा का पूरा चाइना जो है जद में आता है। तो आज की डेट में वॉर को जीतने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। सबसे होता है इंडिविजुअल एक सैनिक की कैपेबिलिटी और मोराल, इसके उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं और हजारों साल का मोराल का हमारा इतिहास रहा है। आप चाहे महाराणा प्रताप को ले लीजिए और बहुत सारे युद्ध हैं जो कि मोराल, संसाधन भले ही कम थे लेकिन उनका मोराल, उनका आत्मबल इतना ज़्यादा था जिसके कारण वो युद्ध को जीत गए। उसके बाद होता है कि टेक्नोलॉजी, आपके पास जो वीपन है, युद्ध को लड़ने के लिए जो हथियार है, नो डाउट इसमें भी इंडिया का आज की डेट में कहीं कोई जो है सानी नहीं है चाइना के कंपैरिजन में। नो डाउट चाइना के पास हो सकता है क्वांटिटी आप लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन ये क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता है, केवल एक सिंगल सप्लाई लाइन को कट करके भी पूरे के पूरे वॉर को जो है हारा या जीता जा सकता है, और इसके पूरे के पूरे उदाहरण हैं। अभी जो गलवान घाटी में हुआ उसके पीछे भी रीजन जो था वो दौलत बेग ओल्डी था, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी की सिचुएशन ऐसी है कि चाइना की सप्लाई लाइन को वहाँ पे कट किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये आता है कि आपकी स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट क्या है। स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट के लिए थल सेना का जो स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट है वो लगभग सभी लोग जानते हैं कि बॉर्डर्स पे लगभग दोनों ही तरफ के, चाइना का भी अगर देखें वॉर होता है तो वो कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स के जितने भी हवाई अड्डे, हवाई पट्टियाँ भारत की हैं, उनके पास एक टेक्निकल और नेचुरल एज है। तिब्बत के पास, चाइना के कंट्रोल में जो तिब्बत के पास एयरफील्ड है, उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी वहाँ बहुत कम होती है और जेट इंजन के लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी प्रॉपर नहीं है तो जेट इंजन जो होता है फाइटर प्लेन का, वो फुल फ्लैग काम नहीं करता है। ये नेचुरल एडवांटेज आपको इंडिया को मिलता है, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ज़्यादा पेलोड हमारे फाइटर प्लेन लेके जा सकते हैं और उनकी स्पीड वगैरह भी टेक्निकल वे में देखा जाए तो ज़्यादा
उनकी क्षमता जो है वो फुल फ्लैग अपनी क्षमता पे ऑपरेट कर सकते हैं, चाइना एयरफोर्स के साथ ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए, इंडिया ने भी अपने कुछ एयर बेसिस देश के बाहर बनाए हैं, बहुत कम लोगों को पता है। तजाकिस्तान में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक एयरबेस बनाया था, आप लोग सर्च करिएगा। उस एयरबेस की स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों केवल 150 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। तीसरा, आपकी बार अगर वॉर होता है तो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होगा वो नेवी होगा। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक समझौता किया, कोकोज एक उनका आइलैंड है जिसपे कि भारत की सेनाएं जो है उसको यूज कर सकती हैं। इसके साथ ही ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के पास, इंडियन नेवी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वहाँ पे पत्ता भी जो है नहीं हिल सकता है बिना इंडियन नेवी की अनुमति के। चाइना के जो वॉरशिप है, नेवल वॉरशिप है, उसको मैं फ्रेंकली बोलूँगा वो केवल मछली पकड़ने के काम आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चाइना की नेवी के पास एक्टिव वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी नेवी 1971 वगैरह में भी कई बार एक्टिव वे में युद्ध का दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। याद करिए 1971 के वॉर को, जब कराची पे हमारी नेवी ने बम बरसाए थे और कैसा कोहराम बरसाया था। स्ट्रेटजिक लोकेशंस और कमांड की अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से जो रास्ता गुजरता है, और शायद आज ऐसी खबर भी आ रही है कि इंडियन नेवी उस ट्रेड रूट को ब्लॉक करने वाली है, 70-80% चाइना का ट्रेड रूट वहां से गुजरता है। अगर उसको हमने ब्लॉक कर दिया तो पूरी प्योर इकोनॉमिक बैरिकेडिंग हो जाएगी चाइना की। इसके साथ साथ चाइना के पास एक रूट और बचता है जो मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप के पास से होकर के उसके मालवाहक विमान या उसकी नेवी वगैरह गुजरे, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक समझौता हो चुका है जिसके कारण वहां पे भी इंडियन नेवी जो है पूरा ब्लॉक कर सकती है उस ट्रेड रूट को। तो ये जो सेकेंडरी चीजें होती हैं, किसी की रसद और सप्लाई को ब्लॉक करना, ट्रेड रूट को ब्लॉक करना, ये युद्ध में बहुत मायने रखता है। 1971 वॉर में भी पाकिस्तान के दो टुकड़े इसलिए हुए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जाती थी जब भी बांग्लादेश तो वो इंडिया के ऊपर से होके जाती थी और इंडिया ने उसको ब्लॉक कर दिया था, तो उनको जाने के लिए उनकी नेवी को या तो वो श्रीलंका से घूम के जाते थे या फिर वो इंडिया के बाहर बाहर होकर के जाते थे। तो ये इस तरीके से है। अब की बार जो वॉर होगा, प्राइमरी रोल जो होगा वो एयरफोर्स का होगा और नेवी का होगा, और फ्रेंकली स्पीकिंग कि एयरफोर्स और नेवी दोनों ही चाइना के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो सुपीरियर है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि उनके पास संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए ठीक है नेवल शिप्स उनके पास ज़्यादा हैं, अगर उनके पास संख्या ज़्यादा है तो उनके बॉर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और संख्या का कोई बहुत महत्व तो नहीं होता है। यह भी हमने गलवान घाटी में भी देखा, 1971 वॉर में भी देखा। हमारा एक एक इक्विपमेंट, हमारा एक एक सैनिक, देखिए कोई भी वॉरशिप हो या मशीन हो, उसकी इफिशियंसी डिपेंड करती है कि मैन पावर यानी जो सैनिक है जो उसको चला रहा है उसकी स्किल के ऊपर और उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके पूरे वॉर फील्ड में किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को मल्टीफोल्ड जो है बढ़ा सकते हैं। शायद यही रीजन है कि चाइना जैसा एग्रेसिव कंट्री, आप 1962 को याद करिए, अगर वो कंडीशन रही होती तो अब तक तो चाइना को जो है अटैक कर देना चाहिए, लेकिन वो बेचारा चुप बैठा है, वो इस पे भी नहीं बोल पा रहा है कि हमारे कितने सैनिक मरे या कितने सैनिक घायल हुए। तो आप समझ सकते हैं उनकी मनोदशा क्या हुई है। उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिकली इस चीज़ को डिक्लेयर करें कि कितने सैनिकों के हाथ पैर टूटे, कितनी की हड्डियाँ टूटी और कितने जो है स्वर्गलोक को चले गए।